वेलकम टू जयंती किचन क्वीन। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कटहल के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले कटहल काटते हैं। तो कटहल काटने के लिए सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल अपने हाथ में इस तरह से लगा लिए हैं और नाइफ में लगा लिया है, और इसे इस तरह से कट करनी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो मैं आगे पीछे इस तरह से नाइफ को करती जा रही हूँ और इस तरह से मैं काटती जा रही हूँ। तो मैंने 500 ग्राम कटहल लेनी है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने इस तरह से इसे कट किया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने फिर इस तरह से गोल गोल इस तरह से एक एक पार्ट में इस तरह से काटती जानी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो। और उसके बाद जो मेरे पीसेस इस तरह से कट गए हैं, फिर इसे इस तरह से हाफ मैंने कट किया है और इसके छिलके को इस तरह से मैंने उतार लेनी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं इसके छिलके को उतारती जा रही हूँ और एक बाउल में इस तरह से छोटे छोटे पीसेस मैं कट करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने सारे कटहल को इसी तरह से कट कर लेनी है। पहले छिलके उतार लेने हैं और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेनी है। उसके बाद मैंने कुकर में हाफ कप पानी लिया है और एक बाउल में सारे कटहल को इस तरह से मैंने रख देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्या होगा कि आपके जो कटहल है जब उबलेंगे तो वो चिपचिपे या फिर ज्यादा जो पानी ले लेता है उस ढंग का ये नहीं बनेगा, मतलब परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो आप एक बाउल में कटहल को रख के ही कुकर में पानी डालिए, उसके बाद 2 सीटी आप लगा लीजिए। तो मैंने इसे 2 सीटी लगा लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने बाउल इस तरह से रखा है और ये देखिए मेरे कटहल अच्छे से उबल गए हैं और इस तरह से मैंने देखा तो ये तैयार हो चुके हैं। उसके बाद मैंने बाउल से कटहल को दूसरे बाउल में इस तरह से ट्रांसफर कर लिया है। उसके बाद मैंने मैसर से इसे इस तरह से मैश करना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे कटहल जो है इस तरह से मैश होते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हो या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत खाने में टेस्टी लगती है। उसके बाद मैंने हाफ कप इसमें बेसन ऐड किया है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक काली मिर्च और जीरा का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। फिर 1/4 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर इसमें डाला है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर इसमें डाला है। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून अजवाइन डाला है और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्लैक जीरा या फिर मंगरेला आप इसको कह सकते हैं मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने नमक इसमें स्वाद अनुसार डालनी है फ्रेंड्स। उसके बाद अपने हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मैश करना है। अगर आपको लगे फ्रेंड्स बेसन अगर कम हो रही है तो आप इसमें डाल सकते हो। मुझे लग रहा था 2 टेबलस्पून मैंने और ऊपर से ऐड किया है और इसे अच्छे से मैश किया है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिक्सचर को मैंने हाथों में इस तरह से लेनी है फ्रेंड्स और राउंड राउंड इस तरह से जो कोफ्ते का आकार होता है मैंने दे देनी है फ्रेंड्स। उसके बाद कढ़ाई में मैंने इस तरह से ऑयल इसमें डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे इनकी फ्लेम रहने दी है फ्रेंड्स। उसके बाद थोड़े से मिक्सचर को मैंने इसमें डाला है तो मेरे ऑयल जो थे परफेक्टली गर्म हो चुके हैं। फिर एक एक करके मैंने सारे कोफ्ते को इसमें डालना शुरू किया है और 2 मिनट बाद इसे मैं लैडल की हेल्प से गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो लैडल की हेल्प से मैं अलट पलट करके इसे गोल्डन ब्राउन करती जा रही हूँ फ्रेंड्स। और कटहल की सब्जी की रेसिपी भी मेरी चैनल पे मैंने डाल रखी है और उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इधर मैंने एक कढ़ाई फिर से चढ़ा दिया है या फिर आप पैन भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो कोफ्ते हैं ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च इसमें डाली है और एक तेजपत्ते को मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, एक हरी मिर्च डालने से आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो आप कोई भी सब्जी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें हरी मिर्च जरूर डालिए। उसके बाद मैंने इसमें 250 ग्राम प्याज इसमें इस तरह से कट करके मैंने डाली है फ्रेंड्स। और इसी प्याज में मैंने थोड़े से प्याज निकाल लेनी है और उसे ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लेनी है। तो इसे लाइट पिंक होने तक मैं इसे इस तरह से चलाती गई और थोड़े से मैंने प्याज को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और वही प्याज की जो पेस्ट है मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर इस तरह से मैंने ऐड करनी है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें नमक मैंने स्वाद अनुसार इसमें ऐड करनी है क्योंकि कोफ्ते में भी मेरी नमक है। उसके बाद इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से मैं चलाती जा रही हूँ फ्रेंड्स, जब तक कि इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूले।
फ्रेंड्स, कटहल की कोफ्ते की जो सब्जी होती है उसे आप रोटी या फिर चावल किसी भी साथ खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है फ्रेंड्स, और इसे भी हल्के हाथों से इस तरह से चला लेनी है फ्रेंड्स। मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे वो सब्जी या फिर कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं इसे लगातार इसी तरह से चलाती जा रही हूँ फ्रेंड्स, और मसाले जब भी भुने इसे लगातार चलाते रहना है फ्रेंड्स, तो आपके जो मसाले हैं ये एक बराबर अच्छे से भून के तैयार हो जाते हैं। तो मेरे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और मैंने इसमें 2 कप इस तरह से पानी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स पानी जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, और ये देख सकते हो मैंने 1 कप और इसमें ऐड किया है। और मुझे ये दोपहर के लंच के लिए बनानी थी, डैट मीन्स हमने इन्हें कल यानी संडे के दिन बनाया था। एक्चुअली संडे के दिन सभी लोग घर में होते हैं इसीलिए मैंने इसे बनाया था। उसके बाद एक एक करके मैंने सारे कोफ्ते को इसमें इस तरह से डाल देनी है फ्रेंड्स, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने इस तरह से लीड लगा दी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये सब्जी जो थी मेरी कोफ्ते बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे। उसके बाद मैंने ऊपर से इस तरह से 2 मिनट के लिए लीड लगा देनी है फ्रेंड्स। तो आप दिखाए गए वीडियो में देख सकते हो 2 मिनट तक मैंने इसे इस तरह से लीड लगा दिया है। उसके बाद 2 मिनट बाद मैंने लीड को इस तरह से हटाया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरी जो ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है। फिर मैंने धनिया पत्ता इस तरह से बारीक कट करके ऊपर से इस तरह से मैंने डाल देनी है फ्रेंड्स। उसके बाद 2 मिनट के लिए लीड मैंने लगा देनी है। 2 मिनट बाद मैंने लीड को हटाई तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे कोफ्ते इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं, और इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट बनी है और कोफ्ते भी परफेक्ट बने हैं। और इसे आप रोटी या फिर चावल किसी भी तरह से खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुई है। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे इस तरह से प्रेजेंट किया है, मैंने इसे संडे स्पेशल में बनाया था। आप इसे किस दिन बनाओगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और फ्रेंड्स कटहल की सब्जी की जो रेसिपी है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसे भी जाके जरूर देखिए, वो भी बहुत ही टेस्टी बनी है। और फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।